अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर पाकिस्तान। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर अली हैदर ज़ैदी से चीन के सफ़ीर नोंगरोंग की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वसी एशिया जमहूरिया को पाकिस्तानी बंदरगाहों से जोड़कर बड़ी मंडियों तक रसाई फराहम की जाए। पीर नवंबर 2021 में पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर सैयद अली हैदर ज़ैदी से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। कराची कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन पर प्रोजेक्ट पर तफसीली से तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफीर और वफाकी वजीर दोनों ने इस पर तेजी से काम करने पर इत्तेफाक किया। इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने विजन का इश्तराक करते हुए अली ज़ैदी ने कहा कि ये कराची के लिए गेम चेंजर है। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने खिते में सी पैक की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। वसी एशिया जमहूरिया को पाकिस्तानी बंदरगाहों से जोड़कर इन्हें बड़ी मंडियों तक रसाई फराहम की जानी चाहिए। इनका ख्याल था कि पाकिस्तान मैरीटाइम पावर बनने की राह पर गामजन है और इस मकसद के हसूल में चीन के साथ शराकतदारी अहम किरदार अदा करती है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान में मैरीटाइम सेक्टर के लिए उठाए जाने वाले इकदामात को सराहा और दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करने पर जोर भी दिया। दोनों फ्रीके ने बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वजीर ने हर जरूरत के वक्त पाकिस्तान का सच्चा दोस्त होने पर चीन का दिली तौर पर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हर किस्मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तआवुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।